पूर्णिया नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना और राजीव गांधी आवास योजना के तहत एक शिविर लगाकर 1250 लोगों को कार्यादेश वितरण किया है। बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा शिविर है। बिहार में भी नगर निगम की ओर से जितने भी शिविर लगाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा शिविर है और एक साथ इतने संख्या में लोगों को कार्यादेश दिया गया है, जो कि एक साल में भी इतने लोगों को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन एक शिविर में 1250 लोगों को दिया गया है। भवन में नगर निगम पूर्णिया की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आज 1250 लाभों को कार्यादेश वितरण किया गया है और एक बड़ा सा मेगा शिविर लगाकर, ऐसा कि हम लोग पहले पिछले हर बार करते थे, लेकिन इस बार कुछ लाभों की संख्या जरूरत से ज़्यादा हो गई थी, जिसके लिए हम लोग कला भवन में इसका आयोजन किए और 1250 लाभों को कार्यादेश वितरण किए और 40 लाभों कैसे जिनको राजीव आवास योजना का लाभ दिया गया है और 325 शौचालय का लाभ दिया गया है। कब तक काम शुरू करेंगे ये लोग? यहाँ से आज कार्यादेश लेकर जाएंगे तो सबसे पहले तो इन लोगों को क्या गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद जियो टैगिंग होगा, उसके बाद इन लोगों के खाते में प्रथम किस्त की राशि जाएगी और काम करना शुरू कर देंगे, फिर जियो टैगिंग होगा, उसके बाद दूसरे किस्त की राशि जाएगी, फिर मतलब इसी तरह 3 बार होगा और 3 किस्तों में 2 लाख रुपए की राशि इन लोगों को भुगतान किया जाएगा। अच्छा मैडम, कुछ शिकायतें हैं कि ये बहुत जगह पहली किस्त की राशि चली गई है लेकिन दूसरे किस्त की राशि नहीं जा रही है, तीसरे किस्त की राशि नहीं जा रही है, तो इस तरह की परेशानी से निपटने के लिए कुछ आप लोगों ने किया? जी बिल्कुल, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कहीं कहीं कोई समस्याएं हैं उसको समाधान कर रहे हैं और जैसे ही समस्या समाधान हो जाती है तो दूसरे किस्त की भी राशि उनके खाते में चला जाता है। कहा जा रहा है कि इतना बड़ा इतने संख्या में लोगों को पहली बार इस तरह का आयोजन करके दिया गया है, उसमें क्या सच्चाई है? ये तो बिल्कुल सच्चाई है, सच में या जो जितनी भी ये शौचालय योजना हो या आवास योजना हो, इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता के काम की जाएगी और मेरा यह कोशिश रहेगा। मैडम, ये कहा जा रहा है कि जिसे 1250 लोगों को एक साथ शिविर में जिस तरह लगा कर दिया गया है कार्यादेश, इतने लोगों को पहले कभी एक साथ नहीं दिया गया? जी बिल्कुल नहीं, मेरा मानना है कि पूरे बिहार में कोई भी ऐसा शायद ही नगर निगम हो जहाँ पे मतलब इस तरह का मतलब 1250 लोगों को लाभ दिया गया हो आवास का, मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में इस तरह का कहीं भी कोई नगर निगम ने दिया। पहली बार पूर्णिया। जी बिल्कुल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना भारत में है कि हर माथे पर छत हो, हर परिवार के ऊपर घर को एक घर मिले, आवास मिले, उस सपने को पूरा करने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लिया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज ये पूर्णिया नगर निगम में मेगा शिविर का आयोजन है। निश्चित रूप में ये सबसे बड़ा मेगा शिविर है जिसमें तमाम जो हमारे नगर निगम के जनप्रतिनिधि हैं, नगर निगम परिवार हैं, कर्मचारी हैं, सारे लोगों के मेहनत से 1250 लोगों को आज कार्यान्वयन आदेश आवास के लिए दिया जा रहा है और उसके साथ 325 शौचालय की राशि उनके खाते में दी गई है और राजीव आवास योजना के अंतर्गत 40 लोगों को जो राशि है उनके भी खाते में गई है। इसलिए ये जो रोटी कपड़ा मकान का जो पहले हम सुनते थे, आज सबसे बड़ी आवश्यकता आवास, शुद्ध पानी, बिजली और सड़क। मैंने तो कहा है कि पूर्णिया के विकास में सबकी भागीदारी है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ पूर्णिया का विकास, इसलिए पूर्णिया में कोई भी सड़क न कच्ची रहेगी, हर घर को नल से जल का अच्छा पानी मिलेगा, हर माथे पर आवास होगा, हर घर पर छत होगा और 2022 तक ये संकल्प घर घर पूरा किया जाए। इस उपलब्धि के लिए नगर निगम को क्या कहेंगे? निश्चित रूप में मैंने कहा कि जब का सम्मिश्रण सबका साथ होता है तो बहुत बड़ा रिजल्ट आता है, इसलिए करके ये पहला ऐसा नगर निगम के अंतर्गत ये ऐसा मेगा शिविर है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में हमारे लाभुक, हमारी माताएं बहुत बड़ी संख्या में हैं, नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है। मैंने आज सबका स्वागत किया है और सबको विश्वास दिलाया है कि हर घर के माथे पर छत होगी, हर व्यक्ति के माथे पर छत होगी, नल से जल का पानी मिलेगा,
सड़कें बनेगी और बड़ी बड़ी पूर्णिया में जो सड़क है उस सड़क का भी निर्माण किया जाएगा। उसे इसमें कहीं शक नहीं कि बिहार में सबसे बड़ा पूर्णिया नगर निगम के द्वारा आयोजन करवाया गया है। लाभार्थी के लिए हर छत विहीन लोगों को छत दिया जाएगा। 1250 लोगों को आज जो है नगर निगम के तरफ से हमारे महापौर महोदया BDC साहब सभी पार्षदगण एवं समस्त स्टाफ के सहयोग से इतना बड़ा आयोजन हुआ है जो कि निश्चित रूप से बिहार में यादगार दिन होगा आज के लिए बिहार नगर निकाय के लिए। लेकिन सर कुछ शिकायतें रहती हैं कि दूसरे सिर्फ किस्त राशि नहीं जा रही है, उसको दूर करेंगे सर? ये नहीं, इसमें जियो टैगिंग के लिए थोड़ा सा कठिनाई होती है, नेट स्लो रहता है और इसमें निश्चित रूप से हम लोग शिकायत दूर कर रहे हैं। लोगों का जहाँ भी शिकायत आ रही है उसको दूर कर रहे हैं। इसके लिए नगर निगम के महापौर, उप महापौर और सभी पार्षद, नगर आयुक्त और कर्मचारी को धन्यवाद देता हूँ कि एक बिहार में बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने का काम पूर्णिया नगर निगम ने किया है। इसके लिए पूरे नगर निगम परिवार को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे कि इस तरह का शिविर पहले कभी नहीं हुआ? ये बिहार में पहला शिविर है जो कि 1250 लोगों को एक दिन में एक बार में कर्जादेश देने का पूर्णिया नगर निगम ने कार्य किया है। ये ऐतिहासिक शिविर है बिहार के लिए जो 1250 लोगों को देने का काम किया है लोगों को। कितना मेहनत करना पड़ा है नगर निगम के लोगों को? आप लोग भी ऐसे पार्टी के नेता हैं जिनका जिनकी सरकार है, अभी कितना मेहनत करना पड़ा? अभी लगातार बंदी के दिन भी शनिवार रविवार रात के 9 बजे तक नगर निगम के सारे कर्मचारी ने नगर निगम में बैठ करके और काफ़ी प्रगति से और काफ़ी मेहनत करने का काम किया है। इसके लिए मैं हम धन्यवाद देते हैं नगर निगम जी, नगर निगम पूर्णिया को। क्या कहेंगे आप, वार्ड पार्षद हैं, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये नगर निगम का? ये निगम का बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब 2 साल पहले महापौर महोदया बनी थी उन्होंने कहा था कि पूर्णिया को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, उसी के तहत जो ये पूरे बिहार में पहली बार 1200 लाभुकों को एक साथ कार्यादेश घर बनाने के लिए दिया जा रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद आप भी हैं, इतना बड़ा शिविर लगा करके इतने बड़े मतलब एक साथ इतने लोगों को आदेश दिया जाना, कितनी बड़ी उपलब्धि मानेंगे? यह नगर निगम टीम भावना का परिणाम है कि दिन रात एक करके सभी नगर निगम के कर्मी, पार्षद, माननीय महापौर, उप महापौर महोदय का सामूहिक प्रयास का ये नतीजा है और इसमें बढ़ चढ़ के पूरे नगर निगम के कर्मी दिन रात एक करके इसको सफल बनाने का काम किया है। इसलिए आज ऐतिहासिक दिन है कि इतना बड़ा मेगा शिविर 1250 प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये चारों योजना का आज सफलतापूर्वक जो है मेगा शिविर के द्वारा सफलीभूत किया जा रहा है। कार्यादेश के रूप में तो एक बिहार में आप लोग कह रहे हैं कि एक इतिहास है जी। लेकिन क्या रियल में जितने लोगों को आदेश दिया गया है समय सीमा के अंदर घर बन के तैयार भी हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से 100% कार्यादेश का मतलब ही हुआ कि उसको कार्य करने का आदेश दे दिया गया है, वह कार्य करेंगे। 15 रोज के अंदर उसके अकाउंट में 50,000 की राशि पहुँच जाएगी जिससे कि उनका कार्य आगे भी बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करें कि समय सीमा जो है उसमें उनका घर पूरा छत तक बन जाएगा, कंप्लीट सारा कुछ, साथ तीनों किस्त की राशि मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल समय सीमा के अंदर ही मिलेगी और बन भी रहा है, बहुत जगह बन भी रहा है, सफलतापूर्वक बन रहा है, कहीं से कोई शिकायत नहीं। ये नगर निगम के कई वार्ड पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो नेतागण हैं, वो सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन खास तौर से जो नगर निगम के मेयर हैं उनका कहना हुआ कि इतने बड़े शिविर लगा करके लोगों को आदेश दिया गया है जो बिहार में एक इतिहास है जिसको कई लोगों ने भी स्वीकार किया है। साथ ही साथ पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका जी ने भी नगर निगम के अधिकारियों को, नगर निगम के मेयर को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, साथ ही साथ उम्मीद जताया है कि समय सीमा के अंदर कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। कोशियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।